नमस्ते, दीपज्योति क्रिएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे नीर डोसा। नीर डोसा एक तुळुनाड की रेसिपी है, मंगलोरियन कुजीन में आता है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही पतला वाला नीर डोसा हम बनाएंगे। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके साथ हम बनाएंगे काई चटनी, विथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ पर मैंने लिया है राइस एक कप, और उसे मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी में धोया है। और धोकर हम इसे 6 से 8 घंटे भिगोएंगे, या फिर ओवरनाइट भी भिगोइए। इसमें हमने डाला है उड़द दाल। उड़द दाल डालने से नीर डोसा फटेंगे नहीं, अच्छे से निकल कर आएंगे और चिपकेंगे भी नहीं। और यहाँ पर हमें चाहिए एक फ्रेश कोकोनट ही डालिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। अब हम इसका सफ़ेद वाला हिस्सा निकाल लेंगे, काला वाला हिस्सा नहीं। देखिए, इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब हम बैटर रेडी कर लेते हैं। देखिए, मैंने पूरी रात भिगोई थी, दूसरे दिन सुबह। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ सोक किया हुआ चावल, और उसमें हम डालेंगे कोकोनट। सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा ही डालिए, आपके नीर डोसा अच्छे से सफ़ेद बनकर आएंगे। देखिए, इस तरह से स्मूथ और मुलायम पेस्ट बना लीजिए, जितना हो सकता है उतना स्मूथ बना लीजिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप चावल का इस्तेमाल किया है, और 2 कप पानी इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा बैटर परफेक्ट हो गया है, जितना पानी इसमें समाता है उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। पूरा पतला सा रहना चाहिए, देखिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। देखिए, जितना पतला होता है उतना पतला करिए। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के लिए नमक। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच का इस्तेमाल किया है, आप अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लीजिए। देखिए, बैटर रेडी हो गया, साइड में रख लीजिए। अब हम बनाएंगे काई चटनी। यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट और एक फुटाना और ग्रीन चिल्ली, करी लीव्स, जीरा स्वाद के लिए, और ये लहसुन की कलियाँ, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और नमक, थोड़ा सा चीनी हम इसमें डालेंगे, स्वाद अच्छा आता है। और जो हमने नारियल का पानी निकाल कर रखा था, वो पानी मैं यहाँ पर पीसने में इस्तेमाल करूँगी, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। देखिए, इस तरह से स्मूथ पेस्ट आप बना लीजिए। देखिए दोस्तों, इतने अच्छा बन गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने इसे चौंक लगाया है, आप मेरे दूसरी चटनी की रेसिपी में देख सकते हैं मैंने चौंक कैसे लगाया है। चटनी भी हमारी रेडी है। चलिए अब डोसा करते हैं। डोसा पैन को यहाँ पर मैंने गरम कर लिया है, और प्याज के सहायता से यहाँ पर मैंने ऑयल भी ग्रीस कर लिया है। डोसा पैन अच्छा खासा गरम होना चाहिए, और हमें डोसा बनाते समय हर बार इस बैटर को अच्छे से हिलाना है, और ऊपर से बैटर को लेना है, इस तरह से डालना है। पहले आप साइड में डाल लीजिए, उसके बाद बीच में, और एक बार पैन को उठा कर उसे प्लेन कर लीजिए। देखिए इस तरह से, और जहाँ पर भी छूटी हो वहाँ पर थोड़ा और बैटर डालकर आप फिर से सेट कर सकते हैं। और साइड में यहाँ पर मैंने तेल डाला है। 1-2 मिनट के बाद देखिए ऐसे निकल कर आ रहा है। आप चाहे तो ढक भी सकते हैं, ढक कर भी बनाते हैं। देखिए, मैंने इसे फ्लिप कर दिया। फ्लिप करने के बाद बस कुछ ही सेकंड मैंने छोड़ा है, और हम इसे एक जाली के बर्तन के ऊपर निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से निकाल लेने से डोसा चिपकता नहीं है, या फिर चिपक जाता है, फिर वो ओपन ही नहीं होता। देखिए, इस तरह से कुछ सेकंड के लिए आप जाली के इसके ऊपर डाल दीजिए। देखिए, इतने पतले होकर आए हैं नीर डोसा हमारे। ये बहुत ही स्वाद लगते हैं दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए, मैं फिर से बताती हूँ आपको, हर बार आपको बैटर को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा पानी आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए, पैन आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, और आप इस तरह से किनारों से डालकर बाद में पैन उठाकर उसे सेट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से किनारों में आप तेल डाल लीजिए, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, 1-2-4 डोसा डालने के बाद पैन हमारा हीट से अच्छे से सेट हो जाएगा, उसके बाद अपने आप किनारे छूट कर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने फ्लिप कर लिया था, उसके बाद कुछ ही सेकेंड के बाद मैंने निकाली। देखिए, इस तरह से जाली के ऊपर डालने से देखिए कितने पतले हो गए हैं। जाली के ऊपर डालने से ये एक दूसरे को चिपकते नहीं है। देखिए,
इस तरह से हमारा डोसा रेडी हो गया है। दोस्तों, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी करिए दोस्तों, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, यहाँ पर एक मैंने आपको खुला कर दिखाया है, देखिए मेरा हाथ भी इसमें से दिख रहा है। आप ज़रूर बनाइए और इसे आप नॉनवेज के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए अनुमति। धन्यवाद।